गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 9 का व्याकरण भाग, जिसमें हमारा एक विषय है भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द वो होते हैं जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। भिन्न अर्थक मतलब अलग अलग अर्थ वाले। तो यहाँ पर मैं आपको शब्द देती हूँ अनबन। अनबन का मतलब होता है मनमुटाव, खटपट, छोटा मोटा झगड़ा। कहने को तो दोनों शब्द एक जैसे प्रयोग होते हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। अनुरोध, आग्रह पूर्वक विनती करना। प्रार्थना, विनय पूर्वक निवेदन करना। अपराध क्या हुआ भला? कानून या नियम के विरुद्ध, जिसका विधिवत दंड होता है। अपराध का दंड होता है पाप, एक अनैतिक काम जो सामान्यतः अनुचित निंदा के योग्य माने जाता है। कानून में उसका दंड भी हो सकता है। अनुभव, अनुभव किसी कार्य को करने या व्यवहार से प्राप्त ज्ञान यानी तजुर्बा, जिसको हम कह सकते हैं। अनुभूति, चिंतन या अंतर्मन का अनुभव। अनुभूति होती है जैसे हमको पहले से किसी चीज़ का आभास हो जाता है, या एहसास भी हम इसको कह सकते हैं। अभिवादन, किसी को प्रणाम या नमस्कार करना। अभिनंदन, किसी का प्रशंसा पूर्वक विधिवत सम्मान करना। अभिवादन जैसे हमको कोई रास्ते में मिला, हमने उसको नमस्ते कह दिया, तो यह हमारा अभिवादन हो गया। अभिनंदन क्या होता है? किसी का रोली तिलक या कोई प्लेट वगैरह लेके आरती वगैरह करके उसका स्वागत करना। एक शब्द हो गया हमारे पास में अनुनय, कृपा की याचना करना जिसमें कुछ गिड़गिड़ाने का भाव हो। अनुनय करना मतलब गिड़गिड़ा के करना, अरे प्लीज कर दो, प्लीज कर दो। एक होता है विनय, विनम्र प्रार्थना, बस हमने एक बार उसको प्रार्थना कर दी। अंतःकरण, मन अथवा दिल, आत्मा, चेतना या जीवन शक्ति। अंतःकरण जो अंतर का आत्मा है, आत्मा जो है चेतना या शक्ति। अवस्था, अवस्था शब्द का प्रयोग होता है उम्र के लिए, वय के लिए और दशा के लिए। आयु, संपूर्ण जीवन काल। अवस्था और आयु दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। आदि, मानसिक कष्ट, व्याधि, शारीरिक कष्ट, आदि अनादि, ठीक है। आवेदन क्या होता है? निर्धारित और वांछित योग्यताओं के आधार पर किसी कार्य के लिए विचार किया गया पत्र। अनुमति, मांगे जाने पर अपने से छोटों या अधीनस्थ को किसी कार्य के लिए सहमति देना। अनुमति दे दी मतलब परमिशन दे देना। निवेदन होते हैं नम्रता पूर्वक अपने आप में विचार प्रकट करना। इस प्रकार आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को कुछ कहना। आदेश, ऑफिशियल होता है ऑर्डर, ऑफिशियल होता है आर्डर। कहने को तो हम आज्ञा भी ऑर्डर होता है और आदेश भी ऑर्डर होता है, लेकिन आज्ञा क्या है? बड़ों द्वारा छोटों को कुछ कहना। बड़ों की हमेशा आज्ञा होती है। आदेश किसका होता है? अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को, मतलब किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के अंडर में जब हम काम करते हैं उसे हम ऑर्डर कहते हैं। इच्छा, किसी वस्तु को पाने की स्वाभाविक चाह, किसी वस्तु को पाने की चाह। लालसा, चाह की तीव्रता। इच्छा हमने रख ली मन में कि मुझे गाड़ी चाहिए। लालसा क्या होती है? उस चीज को पाने के लिए हम कोई भी प्रयत्न करेंगे। उपयोग, लाभकारी कार्य हेतु प्रयोग करना। उपभोग, खाना। प्रयोग, किसी वस्तु को सामान्य रूप से व्यवहार में लाना। उद्योग, परिश्रम या मेहनत। प्रयास मतलब कोशिश। उपहास, अपमान के लिए हंसी उड़ाना। परिहास, मनोरंजन के लिए हंसी विनोद करना। इस प्रकार कुछ और शब्द हैं हमारे पास। अस्त्र, जिन हथियारों को फेंककर चलाया जाता है। शस्त्र, जिनको हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, जैसे तलवार। अधिक, आवश्यकता से ज्यादा, पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार। जैसे हम क्या करते हैं, टॉफी लेते हैं बॉक्स में बहुत ज्यादा, वो ज्यादा जब हो गई तो वो क्या हो गई? अधिक हो गई। लेकिन हमने सफिशियंट ले ली, सफिशियंट मतलब पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार। सपोज मेरे को 25 टॉफी चाहिए तो वो मेरी बहुत है। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। बहुमूल्य, अत्यधिक कीमत वाली, साधारण से अधिक मूल्य वाली वस्तु। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनुपम, जिसकी किसी से समानता ना की जा सके। अनुसंधान, अज्ञात तथ्यों को प्रकट करना। आविष्कार, नई वस्तु अथवा मशीन का निर्माण करना। अज्ञ, जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, मतलब मूर्ख।
अनभिज्ञ, जिसे किसी घटना विशेष के बारे में जानकारी ना हो। अध्यक्ष किसी संस्था का स्थायी प्रधान, सभापति किसी कार्यक्रम का सभा का प्रधान। अनिवार्य, जिसके बिना कार्य संभव ना हो, जिसका कोई विकल्प ना हो। आवश्यक मतलब जरूरी। अनुरूप, उपयुक्तता का भाव। अनुकूल, किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना। अनुग्रह, प्रसन्नतापूर्वक कार्य करना। अनुकंपा मतलब दया का भाव। तो इस प्रकार हमारा यह विषय समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द एक नया हमारा पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आया होगा। यह हमारी दोहराई है। ध्यान रहे, जितना इसका अभ्यास करोगे उतना यह आपको समझ आएगा। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।